जनपद संभल में 8 वर्षीय मुनेश राणा ने चौकी प्रभारी को सौंपी अपनी 1691 रुपए की गुल्लक। वहीं चौकी इंचार्ज ने बांटे पत्रकारों को मास्क व सैनिटाइजर। संभल थाना क्षेत्र रजपुरा के नगर पंचायत गवा में कोरोना के चलते 8 वर्षीय मुनेश राणा ने चौकी इंचार्ज गवा सुभाष राणा को 1691 रुपए से भरी गुल्लक सौंप दी। आपको बता दें कि इस समय हमारा भारत कोरोना वायरस के महासंकट के दौर से गुजर रहा है, जिसको देखते हुए देश के छोटे बड़े संगठन समाज हित में कार्य कर रहे हैं। वहीं नगर पंचायत के एक छोटे से बालक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए अपनी गुल्लक चौकी इंचार्ज को सौंपी और कहा, मैं अपने इस छोटे से सहयोग से देश को बचाना चाहता हूं। वहीं चौकी इंचार्ज सुभाष राणा ने उस बच्चे की सराहना करते हुए प्रशंसा की और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं दूसरी ओर मुनेश के अभिभावक भूपेंद्र राणा ने बताया कि यह बच्चा पिछले 6 महीने से इस गुल्लक में पैसे जोड़ रहा था। पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री राहत कोष में गुल्लक देने की बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि हमें भी इस छोटे से बच्चे से प्रेरणा मिली कि देश हित में हम सबको आगे आना चाहिए। चौकी इंचार्ज ने पत्रकारों को मास्क व सैनिटाइजर बांटते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पत्रकार भी इस महामारी के चलते अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। जिस मौके पर उत्तम दीक्षित, अनीस अहमद, सीताराम कुशवाहा आदि पत्रकार मौजूद रहे। ये जो गुल्लक देने से क्या प्रेरणा मिलेगी लोगों को, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक बच्चा है, इसका नाम है मुनीश राणा जी। इसने इतना बड़ा सराहनीय कार्य किया है कि इसने अपनी गुल्लक से 1691 रुपए पीड़ित राहत कोष के लिए दिए हैं, जो इस बीमारी से, जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, इससे जो लोग पीड़ित जूझ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए इन्हें 1691 रुपया दान दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके दान देने से अन्य लोगों को भी इस चीज़ की प्रेरणा मिलेगी और इसके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।